नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर छिड़ी सियासी जंग, सिद्धिविनायक से लेकर शिरडी तक सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता, अनशन और प्रदर्शन से उद्धव सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने को लेकर सरकार और राज्यपाल आमने सामने, भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पूछा सवाल, हिंदुत्व विचारधारा को बदलकर क्या आप हो गए हैं सेक्युलर। राज्यपाल की चिट्ठी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को याद दिलाया संविधान, कहा हिंदुत्व को लेकर नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र में मंदिर विवाद में अभिनेत्री कंगना रनौत की एंट्री, उद्धव सरकार को बताया गुंडा सरकार, बोली गुंडा सरकार ने बंद रखे है मंदिर, राज्यपाल के पत्र लिखने की तारीफ। हाथरस मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम, पीड़ित के भाई को ले गई अपने साथ, अंतिम संस्कार और घटनास्थल का लिया जायजा, परिवार के अन्य सदस्यों के भी लिए बयान। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दलित लड़कियों पर तेजाब से हमला, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, कहा दोषियों को बचा रही है भाजपा सरकार। एलएसी पर चीन से नहीं बनी बात, सातवें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा, बोला भारत एलएसी पर पहले ड्रैगन हर इलाके से हटे पीछे। देश में अगले साल तक आ सकती है 1 से अधिक कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों के लिए 50 करोड़ डोज की उम्मीद। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के एक्टिव मरीजों की संख्या में तेजी से आ रही है कमी, रिकवरी रेट भी 85% के पार, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 72 लाख के पार। कोलकाता में धमाके पर तेज हुई सियासत, भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बंगाल में अराजकता फैला रही है, टीएमसी सरकार धमाके के पीछे विस्फोटक को बताया कारण। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर से भरा नामांकन, भाई तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस नेता के भूखे नंगे वाले बयान ने पकड़ा तुल, भाजपा ने शुरू किया मैं भी शिवराज कैंपेन, 24 घंटे के लिए बीजेपी नेताओं ने बदली अपनी डीपी। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत, हाईटेक रथ चुनावी रथ को सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने हरी झंडी देकर किया रवाना, नेताओं ने कमलनाथ सरकार पर एक सुर में बोला हमला। चुनाव आयोग निर्देश के बाद हटाए गए दतिया कलेक्टर बी विजय दत्ता, कांग्रेस ने कलेक्टर संजय कुमार की भूमिका को लेकर चुनाव आयोग से की थी शिकायत। मध्य प्रदेश में टीचरों के खाली पड़े पदों को जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, भोपाल में कार्यक्रम में सीएम शिवराज का ऐलान, अब गांव में 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में खुलेगा पूर्ण विकसित स्कूल। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर के साथ बर्बरता के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बोले गृह मंत्री मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं चलेगी तालिबानी संस्कृति, अब भी 2 फरार। हिंदू लड़की को मुस्लिम बहू दिखाने पर तनिष्क का विज्ञापन विवादों में, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया ट्रोल, लव जिहाद के समर्थन का आरोप, ब्रांड के सपोर्ट में आए नेता अभिनेता। पंजाब हरियाणा में किसानों के पराली जलाने से दिल्ली की हवा हुई खराब, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन पर बनेगी फिल्म, विजय सेतुपति निभाएंगे मुरलीधरन का किरदार, फिल्म का नाम होगा 800। केजीएफ 2 की शूटिंग शुरू, बहु प्रतीक्षित फिल्म केजीएफ 2 की शूटिंग दोबारा शुरू, सिर्फ 10 दिन का काम बाकी, 14 जनवरी 2021 को रिलीज करने की तैयारी। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com।